फेसबुक मैसेंजर में डिलीट करा मैसेज को कैसे देखें। दोस्तों मान लीजिए आपका फेसबुक मैसेंजर में कोई आपका एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड आपको एक मैसेज किया है और आप जो है उस मैसेज को देखने से पहले ही जो है वो बंदा या फिर जो आपका फ्रेंड है वो डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया है। इससे ये होगा कि आपका पास और उसके पास यानी कि जो भी आपका फ्रेंड है दोनों के पास से ही वो मैसेज डिलीट हो जाता है और आप जो है चिंतित हो जाते हो कि क्या मैसेज किया था, आप तो पढ़ नहीं सकते हो। वहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आता है कि उसका नाम आता है, जो भी आपको भेजा है वो मैसेज उसका नाम आता है। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, तो उसका नाम मैं राहुल बोल देता हूँ, तो राहुल अनसेंड अ मैसेज, दोस्तों यही चीज़ आपके पास लिखा हुआ आ जाता है और आप जो है चिंतित हो जाते हो कि क्या मैसेज उन्होंने किया था। आप तो अभी दोस्तों पढ़ नहीं सकते हो, अनसेंड मैसेज हो गया यानी कि डिलीट फॉर एवरीवन हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बोलूँगा जिस ट्रिक का माध्यम से जो है आप डिलीट करा मैसेज को भी पढ़ सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। कोई भी आपको दोस्तों हार्ड वर्किंग नहीं करना है, आपको दोस्तों एक चीज़ करना है यानी कि स्ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। सो आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम है गोपी। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में ऐप का जो नेम है उसको आपको सर्च करना है। ऐप का नेम है दोस्तों अनसीन मैसेज। जैसे दोस्तों आप अनसीन मैसेज इस कीवर्ड को सर्च कर देते हो तो पहला वाला जो ऐप है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फुल नेम है अनसीन मैसेंजर रिकवर एंड व्यू डिलीटेड मैसेजेस। ये दोस्तों 4.2 MB का ऐप है, तो आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है यानी कि दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप दोस्तों इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे के साइड में अभी आप देख सकते हो लिखा हुआ है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऐप का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर इस बार वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में प्रेस करना है। प्रेस कर देने के बाद जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ऊपर के साइड में लिखा हुआ है स्टेप वन ऑफ थ्री नोटिफिकेशन एक्सेस, तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड में अभी आपको एक्सेस दे देना है। यहाँ पर नीचे के साइड में इनेबल परमिशंस, तो आपको क्लिक करना है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन ऑफ है, तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है और प्रेस कर देने के बाद यहाँ पर एक्सेस मांगा जाएगा, तो आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको सिंपली अलाउ वाला ऑप्शन में प्रेस कर देना है। यहाँ पर अलाउ मिल जाता है आपको, अलाउ में प्रेस कर देना है। ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, अभी स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू वाला ऑप्शन में प्रेस करना है और अभी जो दूसरा ये स्टेप मांग रहा है यानी कि परमिशन मांग रहा है, ये दोस्तों स्टोरेज परमिशन है, तो आपको इनेबल परमिशन कर देना है और अलाउ कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। आपको नीचे के साइड में यहाँ पर जो कंटिन्यू लिखा हुआ है इसके ऊपर प्रेस कर देना है और अभी दोस्तों ये तीसरा स्टेप रेडी हो रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैसेंजर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक आ चुका है ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर नीचे के साइड में कंटिन्यू वाला ऑप्शन में प्रेस कर देना है। कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑल मैसेजेस आ चुका है और यहाँ पर मैसेंजर में क्लिक कर देता हूँ तो ये दोस्तों रेडी हो चुका है कौन सा मैसेंजर आप यूज़ कर रहे हो। तो अभी मैं दोस्तों मेरा एक फ्रेंड का मोबाइल से मैं आपको मैसेज करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सो अभी दोस्तों आप यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं दूसरे मोबाइल से यानी कि मेरा जो फ्रेंड का मोबाइल है उस मैसेज से अगर मैं डिलीट फॉर एवरी वन यानी कि अनसेंड कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं ओपन करूँगा मेरे मैसेंजर को, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फ्रेंड का नाम है सुभाषिस अनसेंड अ मैसेज दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि मैसेज दोस्तों डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल आपको ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा फ्रेंड जो भी लिखा था डिलीट तो हो चुका था, ठीक है। आप अगर नहीं देखते हो तो यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हाई लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ दोस्तों डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा मैसेज करके दिखाऊँ, सो अभी दोस्तों ये आ चुका है, ठीक है। आपने मान लीजिए आप बिजी हो, ठीक है, आपने बिजी हो, आपने मैसेज को नहीं देखा है और वो डिलीट कर दिया है, या फिर और भी अगर मैं करके दिखाऊँ, सो मैसेज दोस्तों यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अगर मैं मैसेंजर में ओपन करके दिखाऊँ तो आपने मान लीजिए ये वाला नहीं देखा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरा फ्रेंड के नाम, जिसने भी आपको मैसेज सेंड करेगा यानी कि भेजेगा आपके पास वो रिसीव होगा, तो उसका नाम आएगा यहाँ पर ऊपर के साइड में सुभाषिस अनसेंड अ मैसेज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रेंड का नाम है।
तो अब आपको जो आपने ऐप को इंस्टॉल किया है उस ऐप को यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ऐड आता रहता है कभी कभार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो मैंने मैसेज को आपने पहले दिखाया, ठीक है, क्या मैसेज किया है अभी जो जस्ट नाउ, अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैसेंजर में ये तो डिलीट कर दिया है लेकिन यहाँ से अभी तक भी डिलीट नहीं हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं अभी जो जस्ट नाउ, और ये मिनट एको लिखा हुआ है अभी डिटेल्स। और दोस्तों यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैसेज यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, अभी जो दोनों देख सकते हैं, और पहले जिसने भी यानी कि अगर आप ऐप इंस्टॉल करने से पहले कोई भी अगर आपको मैसेज करा था या फिर डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया था वो मैसेज रिकवर नहीं होगा, आप जो है उन मैसेज को देख नहीं सकते हो, यही दोस्तों असली चीज़ है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैसेज भी आ चुका है, अब अगर दोस्तों कोई भी कुछ भी डिलीट कर देता है तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। मेरा एक ही फ्रेंड है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। सो दोस्तों यही है ट्रिक, अच्छा लगा तो वीडियो करना लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं जब यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्वेश्चन आपका जो भी है। और आज के इसी वीडियो का ही फिर एंड कर देते हैं, आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।